बड़वानी ट्रामा सेंटर में भर्ती संभावित कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। बड़वानी सिविल सर्जन रमेश चंद्र चोयल ने बड़वानी ट्रामा सेंटर में भर्ती संभावित कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। बड़वानी सिविल सर्जन रमेश चंद्र के अनुसार कल ट्रामा सेंटर पर एक बड़वानी निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को लाया गया था, जिसको सर्दी और खांसी भी थी और लंग्स में इन्फेक्शन भी था, जिसकी आज दोपहर में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस व्यक्ति का सैंपल लिया गया है, जिसमें जांच हेतु भेजा गया है। वहीं कोविड-19 सस्पेक्टेड होने के चलते इस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। पेशेंट आया था सर, मौत क्या सामने आया? ट्रामा सेंटर पे कल सुबह 9:39 पे एक पेशेंट खांसी सर्दी और बुखार के लिए आया था, जिसको ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था। उसके साथ ही उसको दूसरी कोमॉर्बिडिटी भी थी, जिसके कारण उसको यानी लंग्स में खराबी थी, प्लूरल इफिजन था और शुगर की भी तकलीफ थी। उसका यहाँ पर अच्छे से इलाज किया गया, लेकिन अचानक आज दोपहर को शांत हो गया। संदिग्ध होने के कारण ही इसको ट्रामा सेंटर में संदिग्ध मरीज के रूप में ही भर्ती किया गया था। उसका सैंपल भी लिया गया और सैंपल इंदौर जांच के लिए भेजा गया है। अभी उसकी रिपोर्ट अप्राप्त है, अतः कोविड की संभावना को देखते हुए कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया जाए। सर कहाँ का निवासी? ये बड़वानी का ही निवासी था, 50 वर्ष उम्र थी और पुरुष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।